बंसीबिगा गांव के देवी स्थान मंदिर के पास एक देसी राइफल एवं 12 जिंदा कारतूस पुलिस ने किया बरामद। हम आपको बता दें कि मंगलवार को हिलसा थाना में थानाध्यक्ष गुलाम सरवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिला कि मंगलवार को हिलसा थाना क्षेत्र के बंसीबिगा गांव के देवी स्थान के पास दो लोग आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए प्लान बना रहे हैं। हिलसा के DSP सुमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई किया। इस दौरान पुलिस ने जब हिलसा थाना क्षेत्र के बंसीबिगा गांव के देवी स्थान के पास पहुंची तो पुलिस को देखकर दो लोग जो प्लान बना रहे थे सरसों के खेत में राइफल एवं 12 जिंदा कारतूस को फेंककर भाग निकले। थानाध्यक्ष गुलाम शरवर ने बताया कि अल्लीपुर गांव के राजकुमार एवं उसके पुत्र सोनू कुमार के रूप में पहचान की गई है। एक देसी राइफल एवं 12 जिंदा कारतूस के अलावा पुलिस ने एक मोबाइल, एक रेती, एक बड़ा स्प्रिंग, 5 छोटा स्प्रिंग बरामद किया है। छापेमारी दल में हिलसा थाना के थानाध्यक्ष गुलाम शरवर के अलावे हिलसा थाना के पुलिस अवर निरीक्षक अजय कुमार भारती, पुलिस अवर निरीक्षक प्रभु नाथ राम, पुलिस अवर निरीक्षक तरुण कुमार समेत दर्जनों पुलिस बल इसमें शामिल थे।